Hello everyone, so myself Vanshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about some important topics regarding plant morphology, anatomy and embryology paper. So it is a paper number 2nd for Kumaon University of MSc 2nd semester. When we talk about morphology, here we study about the external structures, okay? And anatomy, we study here about the internal structure. And when we talk about embryology, that is the embryological development, okay? How the fertilization and all processes are taking place, it all comes under the embryology. So, सबसे पहला topic जो आपने यहाँ पे prepare करना है, वो है flower की morphology. Stamen, carpel. Stamen is a male reproductive part. Carpel जो होता है, वो female reproductive part होता है. और P for petal and S for sepal, okay? Second जो topic मैं आपको बोलूँगी, वो है थ्योरीज. तो थ्योरीज आपको प्रिपेयर करनी है शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम की, ओके? तो सैम और रैम आपने दो वर्ड सुने होंगे, इन दोनों की जो ओरिजिन की थ्योरीज होती है ये आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद से जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नो कि ये वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो जाइलम फ्लोएम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है. फ्लोएम जो होता है वो हमारा फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो वहीं जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. और ये दोनों ही वस्कुलर टिश्यूज होते हैं. इसके अलावा सिक्रेटरी डक्ट्स और लैक्टिफर्स पे भी आपको नॉलेज होना चाहिए. दो ये टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में बहुत कम ऐसे होते कि चांसेस की इसमें से क्वेश्चन आएंगे. स्टोमेटा के टाइप्स, ओके? तो स्टोमेटा के कितने टाइप्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो है एंथर का स्ट्रक्चर. इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन एंथर का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो वहाँ आपने दो चीज़ें पढ़नी है. एक तो होता है कि जो डिहाइज्ड एंथर होता है, जो स्प्लिटेड एंथर होता है, पूरी तरीके से मैच्योर्ड एंथर होता है ना, तो वो एंथर का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ये आपको पता होना चाहिए. आपको पता होगा कि इसमें 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर जो है वो टेपिटम है. तो एमएससी लेवल पे आपको टेपिटम के बारे में भी पता होना चाहिए. तो टेपिटम भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, ओके? तो वो दोनों टाइप की टेपिटम के बारे में आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है. आफ्टर दिस वी हैव कि एंथर का डेवलपमेंट कैसा होता है, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है. जब एंथर का डेवलपमेंट हो चुका है तो वो क्या बनाएगा, हमारा पॉलन ग्रेन बनाएगा. पॉलन ग्रेन जो होता है वो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, ओके? मतलब वो मेल गैमेटोफाइट कब बनेगा, जब उसमें पॉलन ट्यूब प्रेजेंट होगी. पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अलोंग विद पॉलन ट्यूब, उसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मेल गैमेटोफाइट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे मेल गैमेटोफाइट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. आफ्टर दिस वी हैव द पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है. इसमें एक एक्साइन लेयर होती है, इंटाइन लेयर होती है, बाई न्यूक्लियर सिचुएशन होती है. कहीं पे 2 सेल सिचुएशन पे एग्जिस्ट करता है, तो कहीं पे 3 सेल सिचुएशन पे हमारा आगे जाके एग्जिस्ट करता है. आफ्टर दिस वी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि होते हैं ओव्यूल्स के टाइप. 5 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं. 5 टाइप के ओव्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, सिसिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, ये 5 टाइप के हमारे इंपॉर्टेंट ओव्यूल होते हैं. कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस डिग्री पे हमारा वहां पे रोटेशन होता है, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, चैलेजा, इनकी जो पोजिशन होती है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे कैसे होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके? एम्ब्रियो सैक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एम्ब्रियो सैक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको इन टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए. आफ्टर दिस वी हैव मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर्स का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर्स का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. अब द पॉलिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोज अपलोड करी है पॉलिनेशन पे. आप लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाले सेक्शन पे जाके चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे बेसिकली आप किस हिसाब से आपसे पूछा जाता है एमएससी लेवल पे पॉलिनेशन, आपसे वो पूछेगा एजेंट्स के रिस्पेक्ट पे. जैसे अगर एयर के थ्रू होती है, मैं बोलती हूँ कि वो एनेमोफिली होता है. वाटर के थ्रू होती है तो वो हाइड्रोफिली है. एक हमारा ऑर्निथोफिली होता है जो कि बर्ड्स के थ्रू होता है. चिरोप्टेरोफिली होता है जो कि बैट्स के थ्रू होता है. इन्हीं एजेंट्स को हम लोग वेक्टर्स भी बोलते हैं. इसके अलावा क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी में बहुत बार डिफरेंस आ जाता है कि क्लिस्टोगैमस पॉलिनेशन क्या होता है और चेस्मोगैमस पॉलिनेशन क्या होता है. देन वी हैव द डबल फर्टिलाइजेशन. तो डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर की थी, इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो आपको पता होनी चाहिए. नाउ आफ्टर दिस वी हैव द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. सी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क नहीं किया बिकॉज इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं. जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ऊपर आपको मार्क करते हुए बता रही हूँ, उसमें बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आफ्टर दिस वी हैव द एंडोस्पर्म टाइप. सो एंडोस्पर्म के टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए. 3 टाइप के हमारे एंडोस्पर्म होते हैं. किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से सेल्स जो होती है वो हमारी बनती है एंडोस्पर्म के अंदर, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ओके?
देन वी हैव जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे शॉर्ट नोट आ जाता है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. इस पर तो आपको शॉर्ट नोट आपको ऑलमोस्ट प्रिपेयर होना चाहिए कि एपोमिक्सिस क्या होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है. देन वी हैव डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी में जनरली सीड डॉर्मेंसी बहुत टाइम पे पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है. सो डॉर्मेंसी क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, एक सीड डॉर्मेंसी एक बर्ड डॉर्मेंसी होती है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए. ओके, देन वी हैव सबसे इंपॉर्टेंट जो कि होता है डिफरेंसेस. सी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस आई हैव सीन कि इसमें डिफरेंसेस पूछा जाता है बिटवीन डाइकॉड एंड मोनोकॉड. तो डाइकॉड और मोनोकॉड जब आप पढ़ो ना, तीन चीज होती है हमारी प्लांट के पास, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है. अगर आप उसकी ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डाइकॉड और मोनोकॉड के बीच में. तो डाइकॉड और मोनोकॉड के बीच में आप डिफरेंस पढ़ो बिटवीन स्टेम, देयर रूट्स एंड देयर लीव्स. तो ये चीज आप प्रिपेयर जरूर करके जाना कि किस तरीके से हमारा इन चीजों के बीच में डिफरेंस आता है. देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेकेंडरी ग्रोथ पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वी हैव दीज ऑल टॉपिक्स लाइक ड्रेसिना, बोरहाविया, डिक्टेंथस मिराबिलिस, साल्वाडोरा एंड वी हैव द लेप्टाडेनिया. इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ड्रेसिनिया और बोरहाविया. अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल पर्पस ऑल्सो दीज टू आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप कोशिश करो कि ड्रेसिना और बोरहाविया को आप प्राइमरी इंपॉर्टेंस दो, और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप निक्टेंथस मिराबिलिस को भी कवर कर सकते हो. देन वी हैव द पैराडर्म. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो है पैराडर्म, बिकॉज इट्स अ सेपरेट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. तो पैराडर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पैराडर्म क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और पैराडर्म और बार्क के बीच में क्या हमारा क्या होता है, डिफरेंस कैसा होता है. ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. देन सबसे लास्ट पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक चीज का आप रिविजन जरूर करें, प्लांट में टिश्यू स्ट्रक्चर कैसा होता है. ओके, हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं, तो जो टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा ना वो हमें प्लांट के रिस्पेक्ट पे पढ़ना पड़ेगा. जैसे हम बोल रहे हैं कि जो टिश्यू होता है, बेसिक से मैंने यहाँ पे समरी आपको समझाया है कि जो प्लांट की टिश्यूज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है परमानेंट टिश्यू और एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो परमानेंट टिश्यू होती है वो दो टाइप की होती है, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू हमारी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, पी फॉर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ओके, जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है. इन दोनों को हम लोग वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं. ओके, फिर जो दूसरा पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी एंड वी हैव द लेटरल. तो ये जो एक बेसिक सा डिवीजन है ना हमारे टिश्यूज का प्लांट के अंदर, तो इस चीज को आप एक बार कवर जरूर करना, बिकॉज हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम को आप एक्सप्लेन करो. सो जस्ट एक बेसिक समरी आप लो, इसके लिए आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो अपनी टेंथ की या फिर ट्वेल्थ की, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और वो इनफ है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. सो आई होप कि प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के पेपर में कुछ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने सिलेबस के बाकी टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, उससे आपको क्या है एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा लगेगा कि आपको हर चीज आ रही है एग्जाम में, तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.